हेलो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। आज हम अनुशासन तथा आत्मनियंत्रण रखने के महत्व पर चर्चा करेंगे। अब जो मैंने ऐसा कहा तो आप में से कुछ कहेंगे हाय नहीं, मगर मैं चाहूंगी कि आप अनुशासन तथा आत्मनियंत्रण को अलग दृष्टिकोण से देखें। वास्तव में ये वो यंत्र है जो परमेश्वर हमें सहायता के लिए देता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार बन सकें, पर हम ऐसे तब तक नहीं बन सकेंगे जब तक स्वयं को नियंत्रण के फल के अनुसार अनुशासन में नहीं चलाते। ये संदेश जो मैंने डेट्रॉइट में दिया उसे आप अवश्य सुने। हम अनुशासन और आत्मनियंत्रण के सिलसिले जारी रखेंगे। मेरे आज के संदेश का नाम है काम बिना दाम। ऐसा अधिक लोग चाहते हैं, उन्हें दाम चाहिए, उन्हें वो सारी अच्छी वस्तु अथवा आशीष, वो शपथें और खुले द्वार चाहिए, पर वो अपना वो पात्र पूरा करना नहीं चाहते जैसी कि परमेश्वर की इच्छा है। निर्गम 32वां अध्याय 25वीं आयत, क्योंकि हारून ने उनको नियंत्रण गंवाने दिया था कि वे अपने शत्रुओं के बीच एक हंसी और निंदा की वस्तु बन गए थे। हंसी का अर्थ है कि वो दूसरों को अपने आप पर हंसने का मौका दे रहे थे। कहा गया कि वे व्यवस्थाहीन नियंत्रण से बाहर थे, उन्होंने आत्मनियंत्रण नहीं रखा, वे पूर्ण रूप से नियंत्रण से बाहर थे, वे आत्मनियंत्रण से काम नहीं कर रहे थे और उनके शत्रु उन पर हंसे। मैं विचार करती हूं कि कितनी बार शैतान पीछे खड़ा होकर हम पर हंसता है, क्योंकि हम अपने जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण से काम नहीं करते। तब उसे लगता है कि हम जीवन में किसी मुकाम पर कभी नहीं पहुंचेंगे। अनुशासन के बिना प्रतिभा पहियों की गाड़ी पर सवार ऑक्टोपस के समान है। इस पर विचार करें, काफी गति तो होती है पर आपको पता नहीं चलता कि आगे पीछे या दाएं या बाएं जा रहे हैं। मेरे लिए इससे अधिक जग में दुख की बात और कोई नहीं कि जब परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को प्रतिभाशाली बनाया पर वो स्वयं पर अनुशासन लाग नहीं करके अपनी प्रतिभा को उस मार्ग से सही दिशा में नहीं ले जाते। कितने ही लोग दूसरों को देखकर उनकी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं और उनको जीवन में कुछ करता देखकर भी ईर्ष्या करते हैं, जीवन में उनकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, पर अधिक समय ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति वो सब करने की इच्छा नहीं रखते जो दूसरों ने किया है। वो दूसरों की तरह मेहनत नहीं करना चाहते जिसकी वजह से आज उनके पास जो है वो उन्होंने पाया है। आमीन। हम बिना काम चाहे दाम। अगर अपनी भावनाओं पर हमें नियंत्रण नहीं, अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं, अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं, अपनी क्रिया पर नियंत्रण नहीं, अगर हम अपनी भावनाओं को स्वयं पर राज्य करने दें या वो बातों को जो दूसरे बोलते हैं या वो हर छोटी सी धुन जो आ जाती है उस झूठ को स्वीकार करें कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत ही कठिन है। काश मैं अनुशासन पर चलता, काश मुझ में आत्मनियंत्रण होता। आपको केवल इच्छा करके उसकी प्राप्ति नहीं होगी, और केवल वही नहीं, यदि आप मसीह हैं तो आप में आत्मनियंत्रण होगा ही, क्योंकि आत्मनियंत्रण आत्मा का एक फल है। अगर आपको आत्मा मिली है तो आप में वो फल भी जरूर होगा, पर इसे कार्य में लाना होगा, इसे विकसित करना होगा और इसका उपयोग करना होगा। ये किसी भी मांसपेशी के समान है, अगर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। आपको नया स्वभाव उत्पन्न करना होगा। आप में से बहुतों को इस महासभा में निर्णय लेना होगा कि जीवन के जिस क्षेत्र में आप नियंत्रण में नहीं थे वहां नया स्वभाव उत्पन्न करना होगा। नया स्वभाव लाने में 30 दिन लगते हैं और पूरा स्वभाव हटाने में 30 दिन लगते हैं, और ये एक सच है। अगर आप किसी कार्यों को 30 दिन तक करें तब वो आपके जीवन का अंग बन जाता है और फिर उसे करना कठिन नहीं होता। ऐसे अधिक लोग हैं जो कहते हैं मुझे जल बिल्कुल पसंद नहीं, मैं जल पी नहीं सकता। मुझसे लोगों ने ऐसा भी कहा है, जल से मुझे घुटन होती है। जानते हैं क्यों? वे इसलिए कि उन्हें
कॉफी और सोडा पीने की आदत पड़ गई है, उन्हें जल का स्वाद अब नहीं भाता। मैं बहुत सारा जलपान करती हूँ और वास्तव से सारा समय जल की प्यासी होती हूँ। मैं कहाँ भी जाऊँ और कुछ भी करूँ जल साथ रखती हूँ, पर मैं पहले ऐसी नहीं थी। आप नया स्वभाव उत्पन्न कर सकते हैं। आमीन। अब वो झुंझलाना और कुड़कुड़ाना करने के स्वभाव को बदलकर आभार मानना और गुण सराहने की बोली बोलने का स्वभाव बना सकते हैं। आपको केवल एक को बंद करके दूसरे को शुरू करना होगा। आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, आपको वो करना आवश्यक है जो आप जानते हैं। आपको वो करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप वो कर सकते हैं। नीति वचन 16:32। नीति वचन 16:32 बताता है, क्रोध से वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। अपने मन को वश में रखने का अर्थ है आत्मनियंत्रण में चलना। आप अपनी मनमानी न करें, अपनी ही धुन में न रहें, हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में न सोचें, दूसरों का भी ख्याल करें। इसका अर्थ हुआ कि जब आप दुकान पे जाएं और वहां आपको लाल अक्षरों में दिखे कि यहां 75% छूट है और आप उसे देख इतने लालसा में आ जाते हैं कि अनचाही वस्तु आप मोल लेते हैं केवल इसलिए कि वे सस्ते दाम में बिक रही है, परंतु ये आप वैसे तो नहीं मोल ले पाते क्योंकि आप इस योग्य नहीं हैं और साथ में आपको ऐसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं जिसे आप घर ले जाए। जब आप अपने मन पर वश रखते हैं, आप मन की तरंग अपनी उड़ती सोच और अचानक उड़ती उत्तेजना के वश में नहीं रहते। मेरे विचार में अधिक लोग ज्यादा खोजते हैं, वे अपने मुंह में खाना भर लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वे खा रहे हैं। जब वे कुछ देखते हैं, वे जानबूझकर नहीं चुनते। काम की जगह पर कॉफी मशीन पर जाते हैं, ये डोनट्स कौन लाया होगा, वे कुछ सोचते भी नहीं, वे कुछ चुनते भी नहीं। वे कहते हैं क्या मुझे ये चाहिए या नहीं, क्या ये ठीक रहेगा। वे ऐसा कर बैठते हैं, फिर बाद में कहेंगे भाई अगर मैं ऐसा नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों कर दिया, जानते नहीं शैतान किस प्रकार ऐसी बात पर प्रसन्न होता है। इस पर ध्यान दीजिए, वो तो बस हे मूर्ख बंदे तू, क्योंकि शैतान जानता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है वो केवल हमारी भलाई के लिए ही तो है। शैतान जानते हैं कि परमेश्वर हमारा काम स्वयं ही नहीं कर देगा, पवित्र आत्मा हमारी अगवाही करते हैं, वे स्मरण करवाते हैं। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा वो बातें हमें स्मरण करवाएंगे, पवित्र आत्मा स्मरण करवाएंगे कि तुझे ये नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा स्मरण करवाएंगे कि तुझे वो नहीं खाना है, पवित्र आत्मा स्मरण करवाएंगे कि तुझे व्यायाम करना है, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि टीवी बंद करके आप सोने चले जाइए। अगर आप अभी सोने नहीं गए तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप थके होंगे। यहां आकर आपको अच्छा नहीं लगा, इससे अधिक लोगों को लाभ होगा, क्योंकि मैं जो बोलती हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए आपके अनुभव से अधिक रख छोड़ा है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको अधिक दे। परंतु अगर आप अपनी वस्तुओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो फिर वो आपको बर्बाद करने को अधिक क्यों देगा, ताकि आप उसे भी बर्बाद कर दे। परमेश्वर आपका अभिषेक यूं ही नहीं बढ़ाएगा अगर आप उस अभिषेक के द्वारा कोई फल पैदा नहीं करेंगे। परमेश्वर आपके लिए अधिक अवसर उत्पन्न नहीं करेगा यदि आप स्वयं पर अनुशासन न रखेंगे, ताकि उन अवसर वाले द्वार से जा सके जो आपके लिए आज खुले हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर बराबर का अवसर देने वाला मालिक है। मेरा ऐसा विश्वास नहीं कि परमेश्वर के कुछ प्रियजन होते हैं जिन्हें चुनकर वो आशीष देता है, जबकि दूसरे सारे लोग जीवन की पिछली कुर्सी पर बैठे रहते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी मसीह हैं, उनका जीवन बड़ा बड़ा विशेष हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारी समस्याएं न होंगी, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कठिनाइयां न होंगी, इसका अर्थ ये नहीं कि हम परिस्थितियों से नहीं जाएंगे।
ये लोग ऐसे नहीं जो कराते और हर बार मान लेते हैं। ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है। यदि शैतान मेरी परीक्षा नहीं लेता तो ये सब शैतान का किया हुआ है। शैतान आपको कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप ग्रह भूमि पर श्वास ले रहे हैं, शत्रु आपके लिए परमेश्वर की दी गई योजनाओं को नष्ट करने में लगा रहेगा। वो जो अपने मन पर वश नहीं रखता या वो जो अपने मन को वश में रख सकता है, वो नगर को जीत लेने वाले व्यक्ति से उत्तम है। जानते हैं आपको कितना अच्छा लगता है, वो भावना कितनी मधुर होती है जब आप अपनी योजना को पूरा करते हैं। ये भी तो कितने कितने आश्चर्य की बात है जब आपको ये देखकर बुरा लगता है कि आपने इस गड़बड़ को ठीक ठाक नहीं किया, और आप जब अधूरी पड़ी योजना को देखते हैं और फिर आप इस आधी पड़ी योजना को देखते हैं। जब आप कोठरी के द्वार खोलते हैं तब अधिक वस्तु नीचे गिरती हैं और आप उसको अंदर धकेल देते हैं, तब आपको स्मरण होता है कि परमेश्वर पिछले 6 वर्षों से बता रहा था इसे साफ करो। आप अपने मोटर खाने में जाकर देखते हैं कि वो एक कूड़े करकट का ढेर है। जानते हैं क्या मेरी इच्छा है कि आप अपने आप में संतुष्ट रहें। मेरी इच्छा है कि आप एक साथ होकर शक्तिशाली बन जाए। जैसा कि आप कहीं जा रहे हैं, मैं चाहूंगी आप आत्मविश्वासी बने। मैं ये सच बता रही हूं, अगर आप पवित्र आत्मा की न सुनकर और वो करें जो वो बताते हैं, तब हमें आत्मविश्वास नहीं आएगा, हमें वो साहस न होगा जो परमेश्वर हमें देखना चाहता है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे। धन्यवाद यीशु और हमारे सारे दर्शक, मैं आपसे भी बात कर रही हूं। अपने टीवी इस कारण से बंद न कर दे कि मैं अनुशासन और आत्मनियंत्रण पर बात कर रही हूं। ऐसा न कीजिए। आप चाहे तो चैनल बदल ले, परंतु मैं उस चैनल पर भी हो सकती हूं। प्रभु की स्तुति हो। शुरू शुरू में अनुशासन आनंद नहीं देता। इसी कारण लोग स्वयं को अनुशासन में नहीं रखते, क्योंकि इसमें मजा नहीं आता। ये कष्टदायक है, ये ऐसा है जैसा आपका शरीर इसे स्वीकारता ही नहीं। ये नहीं चाहिए। मुझे कोठरी की सफाई नहीं करनी है, मुझे व्यायाम नहीं करना, मुझे बस डोनट्स खाने हैं। मुझे घर की सफाई नहीं करनी। अनुशासन शुरू शुरू में आनंद नहीं देता, यह बड़ा दुखदायक होता है, बड़ा कष्टदायक होता है, पर बाद में ये धार्मिकता के फल, धार्मिकता के शांति फल उत्पन्न करता है। वाह, अपना कार्य पूरा करके कितना आनंद आता है जब आपने उस दिन के लिए फल उत्पन्न किए। परमेश्वर ने आपको फलदार होने के लिए उत्पन्न किया है। और मैं बता सकती हूं, जब लोग फल नहीं देते तब वे अप्रसन्न होते हैं, वे परिपूर्ण नहीं होते, कुछ कमी रह जाती है। मेरे विचार में आज हमारे आगे एक समस्या है। मेरा विश्वास है कि अधिक लोग व्यस्त हैं, परंतु वे तब भी फलदार नहीं। कितने लोग हैं जो सारा दिन व्यस्त रहते हैं, पर दिन की समाप्ति पर वे नहीं बता सकते कि उन्होंने क्या क्या किया, वे केवल व्यस्त ही रहे। वे थोड़ा इसलिए भी कि शैतान बेकार की वस्तु और लोगों के द्वारा भी हमारा समय चुराता है, और हमें ये अनुशासन स्वयं पर लागू करना होगा कि हम उन लोगों को ना कह सके जिन्हें ना सुनना अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रखा है, आपको रोज कुछ सौंपा जाता है, और शैतान किसी ना किसी को भेजेगा ताकि वे आपको अपने मार्ग से हटा दे, और वो इस बात को एक मसीह कार्य जैसा प्रस्तुत करेगा। ऐसा है, उनको सहायता चाहिए। जानते हैं क्या, अगर आप किसी की सहायता करते हैं
आप सोचिए, उसे सहायता नहीं चाहिए। मुझे ये प्रगटीकरण पिछले वर्ष मिला था तो ऐसा हुआ, ठीक है, मैंने उनकी सहायता करनी छोड़ दी। जिन्हें केवल सहायता ही चाहिए, चाहे आपने उनकी कितनी भी सहायता की। जानते हैं इससे मैंने क्या जाना? उन्हें सहायता नहीं चाहिए, उन्हें केवल अपनी समस्याओं पर बात करनी है। शैतान उनके द्वारा आपके जीवन से शक्ति चूसता है। वे आकर आप में से सब कुछ चूस लेते हैं। मुझे अपने पास वे लोग चाहिए जो मेरे जीवन में कुछ जोड़ते हैं। मुझे ऐसों की संगत नहीं चाहिए जो केवल चूसते हैं, लेते हैं। आमीन। जानते हैं क्या, ये भी अनुशासन है। जब आप ऐसे व्यक्तियों से अलग होकर चलेंगे जो आपको तुच्छ मानेंगे, क्योंकि आगे से आप उनका साथ नहीं देने वाले। मैं आपको कुछ बता देती हूं, आपका जीवन, आपका भविष्य और आपका भाग्य दांव पर लगे हैं। आपको, आपके भाग्य को परमेश्वर द्वारा दिए गए आपके भाग्य व भविष्य को चुराने का किसी को अधिकार नहीं। आपको उन बातों को ना कहना होगा जिसके लिए प्रभु ना कहता है, और हां जिसके लिए हां। कोई भी अनुशासन वर्तमान में आनंद नहीं लाता, पर बाद में ये धार्मिकता का शांतिपूर्वक फल उत्पन्न करता है उनमें जिन्होंने इसका अभ्यास किया है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की दृष्टि आगे पीछे उन लोगों को खोज रही है जो आज ऐसे अद्भुत कार्य में पूंजी लगाएंगे जिसका फल उन लोगों को बाद में प्राप्त होगा, उन लोगों के लिए जो आज कुछ देने के लिए तैयार हैं, ताकि बाद में उन्हें उससे भी उत्तम मिले। बिना कुछ गवाए आप प्रगति नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपको सदा कुछ न कुछ लगाना होता है, आपको सदा कुछ वस्तुओं से अलग होना पड़ेगा जब आप किसी उत्तम वस्तु की ओर जाते हैं। आमेन। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता है। यह बताना कठिन है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन दरिद्र हैं, क्योंकि वे ऐसे ही लोगों की संगत में हैं जो कुछ नहीं करते और वे कभी नहीं जाते, क्योंकि उन्हें भय है कि उनको इच्छा अनुसार भविष्य नहीं मिलेगा। वो उस वस्तु के संग रुक जाते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। आप में से कुछ लोगों की ये काम आएगा। वहां बैठे लोगों को ये बात समझ में आई? हालेलुया। मेरे भीतर एक बड़ी बात है। मैं देखना चाहती हूं कि आपको वो मिले जिसे प्राप्त कराने यीशु ने अपनी जान दी। मैं बता दूं, मुझे लोगों को सुखी देखना है। मैंने मसीह होकर भी कई वर्षों तक दुख झेले और मैं लोगों को सुखी देखना चाहती हूं। आनंद प्राप्ति के लिए अधिक पदार्थ आवश्यक है। उनमें से एक है कि आपको पवित्र आत्मा की अगुवाही चाहिए। आपको वो करना होगा जैसा वो कहें, और जब कहें तब करना होगा। आपको समझना होगा कि जिस समय परमेश्वर कुछ करने को बोलता है, वे आपके जीवन में जोड़ता है। जब कभी परमेश्वर आपको कोई कठिन कार्य करने को कहता है तो उससे बात और भी अच्छी बनती है, पर सबसे उत्तम तो बाद में आएगा। हम बड़े तात्कालिक चालाक है। अगर हम तत्काल में कुछ पा सकते हैं तब हमारे पास प्रतीक्षा के लिए समय नहीं होता। हम बड़ी जल्दी में होते हैं, उतावलेपन में। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत वस्तुओं की शपथ खाई है, परंतु आपको प्रभु के बनाए कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिस पे आप उनकी प्राप्ति करें। आप उतावले नहीं हो। जब कभी आपको अवसर मिलने से पहले अगर कठिनाइयों से जाना भी पड़ा, जानते हैं मैं क्या विश्वास करती हूं, जितना अधिक समय आप किसी वस्तु की प्रतीक्षा करें, वही मिलने पर बड़ी मधुर लगती है। और यह सच है, जितनी अधिक प्रतीक्षा हो जाए और जितनी कठिन होगी, उतने ही अधिक समय आप उसे छोड़ने की इच्छा करेंगे और उतने ही उत्तेजित हो जाएंगे। जब यकायक वो मिलेगी, वाओ, ये होना ही था। जानते हैं क्या, वो वस्तु आसानी से प्राप्त होती है, उसका हमारे लिए कोई मूल्य नहीं होता। केवल परमेश्वर ही जानता है कि इस मंच पर खड़े होकर इतने लोगों को प्रवचन देना मेरे लिए क्या अर्थ रखता है। जानते हैं क्यों? हम आज की बात कर रहे थे जब हमने अपने घर के निचले खंड में मिनिस्ट्री को चालू किया था, और जब लोग प्रार्थना करते तो वो मेरी कपड़ों की कोठरी में करते। जब हमने अपना पहला संगीत का टेप बनाया तो हमने सामान की कोठरी में गीत गाए। हमारा रेडियो स्टेशन घर की एक दूसरी कोठरी थी। मेरा पहला रेडियो का कार्यक्रम मेरी एक और कोठरी में तैयार हुआ था। जी हां, घर में।
हाँ मैं यहीं पर हूँ, बिल्कुल सही। ये मेरी गवाही है, मैं यहीं पर हूँ। पग पल चल के परमेश्वर ने दिखाया हमें क्या करना होगा, सो हमने वही किया। ये आसान नहीं था और हमें अधिक बातों की प्रतीक्षा करनी पड़ी और इससे अधिक समय लगता है और आपको इतना मोल चुकाना पड़ता है जिसका आपको अनुमान नहीं होता। रास्ते में कितनी ही निराशाएं मिलती हैं, परंतु बाद में जब ऐसा होता है ये सोचकर भय होता है कि कितने समय हम ये काम छोड़ने को तैयार थे, पर आज आभारी हैं कि हमने इसे नहीं छोड़ा। भजन संहिता 106 पर चलें। भजन संहिता 106 12। तब इसराइलियों ने उसके वचनों का विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और उसकी स्तुति गाने लगे, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी मुक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्बल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की उनके लिए एक योजना थी, पर वे प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। क्या हम ऐसे समाज में नहीं रहते थे जो तात्कालिक आनंद चाहता है? चलिए देखिए, इसीलिए अधिक मामलों में हमें विशेष उत्पादन नहीं प्राप्त होते, किंतु लोग आसान रास्ते चाहते हैं, जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, घटिया वस्तु स्वीकार करते हैं क्योंकि उनके पास उत्तम शैली या विशेष शैली के काम करने के लिए समय नहीं है। अगर आप कोई उत्तम शैली का काम करें तो वे इतनी जल्दी उत्पन्न नहीं होता जैसा कि आप चाहते हैं। आपको बहुत ही समय देना होगा, अच्छे कार्य करने होंगे। अच्छे कार्य करने पर ही आप वो पाएंगे जिसकी आप उम्मीद रखते हैं। आमीन। ये काम होता ही ऐसा है, हम उत्तेजित हैं, हम परमेश्वर की स्तुति गा रहे हैं और ये सामान्य रूप से तब होता है जब हमें मनचाही वस्तु मिल जाती है। मेरा विश्वास है कि आज आपने अनुशासन पर अच्छी बातें सुनी, वो बातें जो आपके काम आएंगी, और मैं चाहूंगी आप स्मरण करें कि अनुशासन आपका मित्र है, शत्रु नहीं। जैसे जैसे आप स्वयं अनुशासन में आएंगे और उस क्षेत्र में स्वभाव उत्पन्न करेंगे, तब आप देखेंगे कि अनुशासन आपको वो बनने में काम आएगा जैसा बनने की आपने आशा की है। मुझे विश्वास है आप में से अधिक जनों के बड़े बड़े सपने और योजनाएं और मार्गदर्शन हैं जो कार्य पूरा करने की आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं। अंतिम शब्दों के लिए रुके रहिए।